बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर एक बैंक मैनेजर कितना कमाता है, कितनी सैलरी होती है इनकी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, हम लोग जो गवर्नमेंट बैंक है उनके बारे में भी जानेंगे, जो प्राइवेट बैंक है उनके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, शॉर्ट वीडियो होगी, आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैंने बैंक मैनेजर के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई कि किस तरीके से आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष सरीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिए। तो देखो गाइज, नॉर्मली जो होते हैं बैंक दो तरीके को होते हैं, एक होते हैं सरकारी बैंक, एक होते हैं गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। तो हम दोनों की जानेंगे कि जो सरकारी बैंक होते हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, और दूसरी चीज़ की जो प्राइवेट बैंक होते हैं जैसे ICICI, HDFC, फेडरल बैंक, इस तरीके के जो बैंक होते हैं उनमें बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, देखो अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है तो आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। जी हाँ दोस्तों, बैंक मैनेजर की डायरेक्ट पोस्टिंग होती ही नहीं है। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको बैंक PO बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको असिस्टेंट बैंक मैनेजर बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद फिर आप बैंक मैनेजर बन पाओगे। अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें कि गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, तो दोस्तों अगर हम लोग SBI की बात करें तो SBI में जो बैंक मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है। SBI में बैंक मैनेजर की सैलरी जो होती है ये आपको 60,000 से 80,000 रुपये, 85,000 रुपये पर मंथ के करीब होती है। और भी जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ले लो, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके जो बैंक मैनेजर की सैलरी होती है वो 60,000 से 85,000 के अप्रॉक्स होती है। उसके अलावा जो बैंक मैनेजर होते हैं उनको और बहुत तरह की सुविधाएँ भी मिलती है, जैसे कि उनको रहने के लिए उनको हाउस मिलता है, उनको बिजली सुविधा मिलती है, उनको हेल्थ के लिए आपको सुविधा मिलती है, इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है। गवर्नमेंट बैंक मैनेजर की सैलरी तो हमने जान लिया, अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। ज्यादातर देखा जाता है कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके बैंक मैनेजर की सैलरी गवर्नमेंट बैंक मैनेजर से ज्यादा होती है, लेकिन हाँ ये चीज है कि गवर्नमेंट बैंक में अगर आप बैंक मैनेजर हो तो आपको सिक्योरिटी है, सेफ है वो, लेकिन अगर आप प्राइवेट में बैंक मैनेजर हो तो दोस्तों आपको कभी भी मतलब कि उतनी सिक्योरिटी आप नहीं ले सकते, 100% आप सिक्योर नहीं हो सकते। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जिनके बैंक मैनेजर की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम मंथली बात करें तो HDFC जैसे बैंक में आपकी जो सैलरी होगी वो दोस्तों 1,10,000 रुपये के अप्रॉक्स होती है। जी हाँ, और हो सकते हैं कि कुछ प्राइवेट बैंक होंगे जिसमें थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आपको HDFC वगैरह में सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। बैंक मैनेजर की सैलरी एक और चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पे है। कहने का मतलब है कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं जैसे कि आप दिल्ली मुंबई वगैरह में हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और वहीं पर अगर आप Tier 2 Tier 3 सिटी में हैं मतलब छोटे शहरों में हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है। इन छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको पूरी डिटेल जानने के बैंक मैनेजर कैसे बने तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए हाउ टू बिकम इन इंडिया, आपको आयुष सरीना वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर आप बैंक मैनेजर सर्च करके उससे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस बारे में जानना चाहते हो वो भी बताइए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।